Hello future doctors in this video we are know about the King George Medical University BSc nursing application form already we are covered two video about the KGMU BSc nursing application form the video link you find in description box and the sgpgi BSc nursing and paramedical course application form is released and the link is in description box so we start the video of KGMU BSc nursing application form द बस सी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज स्टार्टड फ्राम ट्वेंटी सिक्स इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड लास्ट डेट इज़ इलेवन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड वी नो इन दिस वीडियो वाट इज़ द कट ऑफ ऑफ मे वी कम इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो दो हज़ार उन्नीस का हम कट ऑफ जान लेते हैं पहले दो हजार उन्नीस के कट ऑफ के बारे में जान लेंगे क्योंकि दो हजार उन्नीस में हम काउंसलिंग करवाने गए थे अपने दोस्त का तो वहाँ पर वो दो हजार उन्नीस बैस में पढ़ रहे हैं आपके हो सकता है सीनियर्स होंगे जो है अगर आप एडमिशन वहाँ पर ले रहे हैं तो उनका जो कट ऑफ गया था वहाँ पे हम जो देखे थे काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग तो वहाँ पे ऑफलाइन ही होती है आपको काउंसलिंग के टाइम आपको जाना पड़ेगा के जी एम यू में जो वहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल होगा वहाँ पे काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में आपको वहाँ जाना पड़ेगा तो नेम ऑफ कोर्स जा, जान लेते हैं बी नर्सिंग कोर्स है चार ईयर का कोर्स है अप्लीकेशन फॉर्म ट्वेंटी सिक्स इलेवन लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर्म इलेवन टवेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो आप रजिस्ट्रेशन करिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप दो हज़ार रुपये अप्लीकेशन फ़ीस पे यहाँ पे करेंगे अगर आप ऑलरेडी जो है पे कर चुके हैं तो आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं और हम जानेंगे पेन पेपर बेस्ड ये टेस्ट हो रहा है और 110 सौ सीट्स है बाकी सीट्स जो है के से हट गई है अब के जी एम यू उन पर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया के जी एम यू सिर्फ़ अपने 110 सौ सीट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, विशेष ध्यान देंगे और एग्ज़ाम जो इसका सेंटर होता वो सेंटर लखनऊ में ही सेंटर होता आपको बता दें एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा आपका वो लखनऊ में ही होगा लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर्म की ग्यारह दिसंबर है सीट्स यहाँ पर एक सीट्स हैं दो सौ आने हैं और पेन पेपर टेस्ट है और लैंग्वेज पेपर का जो होगा वो इंग्लिश में ही होने वाला आप भी ध्यान देंगे जो है लैंग्वेज पेपर का इंग्लिश में ही होने वाला 2019 की हम रैंक देख लेते हैं क्या कट ऑफ था मतलब 2019 में कितने पे सिलेक्शन हुआ था तो 2019 में जो हुआ था जनरल का 120 हुआ था ओबीसी का 113 हुआ था तो उनके जो है एक सौ सोलह नंबर थे तो उनका सिलेक्शन जो है हो गया था दो हज़ार उन्नीस में तो ओ बी सी का एक सौ तेरह जनरल का एक सौ बीस गया था दो हज़ार उन्नीस की हम बता रहे हैं एस सी का जो गया था वो एक सौ एक गया था लगभग सौ के करीब गया था पंचानवे सौ प्लस ही गया था और एस टी का जो गया था वो अस्सी प्लस गया था तो ये कटआफ है और फिर यहाँ देख लेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है ये आपको बता ही दिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इसका होगा उन्नीस दिसंबर को होगा ग्यारह बजे से लेकर कर दो बजे तक इसका एंट्रेंस चलने वाला है और एक आप और चीज़ ध्यान देंगे ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसका अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं हाँ आप सही सुन रहे हैं अगर आप यूपी से बाहर के हैं तब भी आप इसका अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं लेकिन इसमें कोई फॉरेन की सीट नहीं है फॉरेन के स्टूडेंट के लिए कोई सीट नहीं है हालांकि जो अदर्स कॉलेज हैं जैसे एस हो गया और आर यी एच एस हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हो गया या एस बी आई एम एस हो गया जो वहाँ पर है पटना में तो उसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई फॉरेन की सीट्स नहीं है और टोटल सीट्स जो यहाँ पे 110 है और फिर हम देख लेते हैं अगर कुछ इसमें एस्टा पॉइंट हो वो इस्टा पॉइंट अगर यहाँ पे मिल रही है जो है 26 नवंबर फ्राइडे इसका है अपलिकेशन फॉर्म एग्ज़ाम डेट है और अप्लीकेशन फार्म की फ़ीस दो हज़ार रुपये रहने वाली है पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट नहीं होने वाला है जैसा दो हज़ार उन्नीस में हुआ था हालांकि दो हज़ार बीस में मेरिट बेस ले लिया था क्योंकि कोरोना का दौर था तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म को ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हैं वीडियो की लिंक जो डिटेल बनी हुई उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिए जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो की लिंक आप कैसे फॉर्म प्रोसीड करेंगे उसमें पूरा डिटेल बताया गया है जो यहाँ पे सिलेबस है चेंज हो गया दो में ऐसा सिलेबस नहीं था दो से सिलेबस काफ़ी ज़्यादा चेंज है दो सौ आएंगे एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपके लगभग 150 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन इस बार सही होंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो पाए क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी नियम चेंज हो गए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तरफ रुझान कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया है और सिलेबस इसका जो रहने वाला है नर्सिंग एप्टीट्यूड बीस क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के बीस क्वेश्चन केमिस्ट्री के बीस क्वेश्चन बायो के बीस क्वेश्चन इंग्लिश एंड जनरल जन, नॉलेज के बीस क्वेश्चन रहने वाले हैं इंटरमीडिएट आप जो है उत्तीर्ण होने चाहिए लगभग पचास से और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो होगी वो पचास परसेंट होगी प्लास पचास परसेंट अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो के जे में आप काउंसलिंग में भी नहीं बैठ पाएंगे तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन काफ़ी लगा हुआ सेवन पॉइंट टेन पॉइंट आप ये देख देख लेंगे जो है और फर्स्ट काउंसलिंग इसकी स्टार्ट होगी जो है सत्ताईस दिसंबर से फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी और सेकेंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग जो है तीस दिसंबर से स्टार्ट होगी और यहाँ पर जो फीस रहने वाली है जो है वो फ़ीस के बारे में हमने हालांकि वीडियो में डिटेल बता दी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा वहाँ से आप देख लेंगे तो इस प्रकार से ये रहा बीएससी नर्सिंग के जी का एप्लीकेशन फॉर्म रहा इसके बारे में ये इन्फार्मेशन रही पेन पेपर टेस्ट होगा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट इलेवन दिसंबर है दो सौ क्वेश्चन आएंगे अगर एक सौ चालीस प्लस क्वेश्चन हैं अगर आप ओ बी सी कैंडिडेट्स बिलोंग कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप एक चीज़ और ध्यान देंगे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए हो, एक अप्रैल के अंदर का होना चाहिए लेकिन इसमें इकतीस मार्च लिखा हुआ है तो एक अप्रैल के अंदर का आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए क्योंकि आपको अगर कास्ट से सीट्स उठानी है तो और फिर यहाँ पे एक सौ दस सीट्स आपको बता ही दिए हैं एग्ज़ाम सेंटर जो इसका होगा लखनऊ में होगा लखनऊ के बाहर कहीं एग्ज़ाम सेंटर नहीं होता आप अगर कहीं के भी हों तो आपको लखनऊ में पेपर देने आना पड़ेगा तो ये वीडियो में रहा जो है के के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रही तो एक चार लाइन हम देख लेते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं हौसलों में उड़ान होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ जय हिंद